सही कि नहीं? Yes. सबसे पहले तो अपना माइंड चेंज करना है, सही है, सही ना? Yes. आप लोग ने माइंड चेंज कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा आदत थोड़ा चेंज करना है सर। आप लोग क्लास में है? Yes. 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 तो थोड़ा सीधा बैठिए, क्योंकि सीधा बैठेंगे तब जाके आप लोग को कुछ समझ में आएगा, सही? Yes. Yes. क्योंकि नहीं तो टाइम पास हो जाएगा। Yes. आज मैं वही समय, आज मेरा टॉपिक यही रहेगा कि समय है ना। Yes. आप लोग को भी सक्सेस होना है। होना है सर। और आप लोग को सक्सेस होना तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इसके रास्ते जो आप आए हैं डीएक्शन में, इसके रास्ते कैसे आप सक्सेस हो सकते हैं। आज से कभी जो कि 3 साल पहले, जो कि मैं भी एक आप लोग के जैसा था, एक नॉर्मल आदमी, बहुत आदमी की नॉर्मल जो होते हैं वो आदमी में एक गुण होता है कि वो डरते बहुत है, राइट? लेकिन वो जो सोच हमारे पूर्वज के पास था वही सोच हमारे पास भी है। इसके वजह से आज मैं आप लोग को एक समय का आज बताना चाहूंगा। समय है ना, समय ऐसा चीज है कि इसका मतलब सब, जैसे कि आज हम जमा रहे, एक दिन बुद्धा होंगे जरूर, हेलो, तो बुद्धा जरूर होंगे, ये मतलब गुजरता रहता है, सही है? Yes. तो मैं आज आप लोग को पूछना चाहूंगा कि हमारा सैलरी जो होता है, जो कि कम सैलरी जिसको बोलते हैं ना, सैलरी है ना, yes, और हमारा खर्च, सैलरी और खर्च में क्या फर्क है सर? आज के जो कि यहाँ पे जो कि 20 साल पहले एक परिवार, आम परिवार को चलाने के लिए कितना खर्चा होता था? 10,000? 10,000 10,000 भी से कम होता था। अभी मैं आज से मेरा पिताजी बताते थे कि उस टाइम में उसका तनख्वाह 1-2 रुपया था, 2 रुपया तनख्वाह था, राइट? Yes. 2 रुपया तनख्वाह था। आप लोग में सबसे कम तनख्वाह पे काम करने वाला कौन है, हाथ उठा सकते हैं? 5 रुपए एवरी डे वाला कोई है? 5 दिन 100 रुपया वाला दिन का काम करने वाला? Yes. पहले आज से पहले? हाँ सर। स्टार्ट करने वाला आप कितना? पहले 60 रुपया कमाए एक दिन में, 60 रुपया। इसका मतलब आपका जो कि 1500 महीने का, साल का होता था? Yes. महीने का होता था, है? 2000 मान के चलिए, 2000 कमा देते। उस टाइम में आपका घर कितना से चलता था? चलता था सर, पहले सस्ता भी था ना सामान। Okay, सस्ता इसके लिए। यस, मैं यही चीज पकड़ना चाहता था। मान लीजिए सैलरी था उस टाइम में 2000, राइट? Yes. सही कि नहीं? लेकिन इनका घर मतलब मुश्किल से 500 रियाल में चल जाता था होगा, सही कि नहीं? Yes. राइट? Yes. 500 में चल जाता था। Yes. फिर भी इनको 1500 रुपया बचता था, सही कि नहीं? Yes. लेकिन आज मुश्किल सर, आज आप कितना कमाते हैं? 1000 रियाल कमाते हैं? 1000 रुपया कमाते हैं। 1000 रियाल है ना, मतलब 1000 का भी 30,000 हो गया। यस, राइट? 30,000 30,000 रियाल अभी नेपाली रुपए कमा रहे, सही कि नहीं? यस, 30,000 नेपाली रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इनका घर में अभी शायद 10,000 भी कम पड़ रहा है, 10,000 से ज्यादा खर्चा हो रहा है, राइट? यस, और 10,000 इनका नहीं पहुंच रहा होगा, 1,000, सही ना? यस, और 10,000 सही, और इनका भी खर्चा होगा 10,000। Yes. मोबाइल में 250 का खर्चा है, राइट? Yes. और मोबाइल का मतलब और खाना का 500 रुपया इनका पर्सनल खर्चा है, राइट? Yes. लेकिन बस्ता कितना है अभी? अगर मान लीजिए 1000 रुपया सैलरी कमा रहे हैं तो 500 तो यही भी खर्च करना है। Yes. 500 बचता है तो 15,000। Yes. 15,000 में घर में 2 बच्चे हैं। Yes. और पढ़ाई लिखाई अगर बच्चे स्कूल जा रहे होंगे तो ये भी खर्चा होगा, सही? ये भी खर्चा होगा, इनको बचेगा कितना? 5,000 मुश्किल से, 5,000 मुश्किल से, 5,000 बचेगा। तभी अगर मान लीजिए कभी अगर बीमार हो गया इनका घर का कोई बच्चा बीमार हो गया तो 5,000 जो एक साल में बचा है 50,000 एक ही बार चला जाएगा। Yes. चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा सर। तो ऐसा ही अगर हम लोग अपने लिए कमा रहे हैं कि डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, दूसरे के लिए कमा रहे हैं कि अपने लिए कमा, अपने लिए सर, इस तरह से तो कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, 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 हो पाएगा नहीं सर। बंदर का कहानी मालूम है आप लोगों को? वो पानी में हर एक बार एक लेके आता था, सर पे डालता, फिर वो नीचे जाता था, सही ना? Yes. तो हम लोग का यही है कि नहीं? मतलब आज नहीं, पहले भी, आज से 20 साल भी वही था, सैलरी बढ़ता था उसी हिसाब से, राइट? हमारा खर्च उसी हिसाब से था। लेकिन बात यह है कि हमें सोचने वाला बात है, इस तरह से हम कभी आगे नहीं जा रहे, सही ना? Yes. हमें लग रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, सही कि नहीं?
लेकिन आगे भी जा रहे हैं, बस हमारा थोड़ा कपड़ा बदल गया और खर्च का स्टाइल भी बहुत बदल गया। पहले हम जो कि अभी गैस पे सब आदमी के घर में खाना होता है, yes. आज से पहले गैस पे बनता था क्या? नहीं सर, जंगल से लकड़ी लेके आते थे, yes. लेकिन अभी गैस बिना तो बनेगा ही नहीं, नहीं सही नहीं? Yes. ऐसा ऐसा कुछ ऐसा, आज पहले मोबाइल था नहीं सर, लेकिन अभी मोबाइल के बिना रह सकते हैं? नहीं सर, एक बार अगर एक दिन डेटा खत्म हो जाता रह पाएंगे? नहीं, घर से भी फोन नहीं आता है, मतलब ये सब फालतू का खर्चा हमारे पास आ गया, सही? पहले हम जैसे कि हल्दी हो गया, मिर्ची हो गया, ये सब हमारे खेत में भी हो जाता, सब्जी खेत में होता था, लेकिन यहाँ पे जितने भी विदेश आए हैं आप लोग, विदेश वाले जितने भी पार्टनर है, उन सबका घर पे ये सब होता है क्या? खेती बाड़ी होता है नहीं। और सब खरीद के खाना पड़ता है, यस। तो ये मतलब सैलरी वाला चक्कर वही है, आज से पहले भी ऐसा ही था और आगे भी है। जमीन का कीमत राइट, जमीन का कीमत आसमान छुरा कि नहीं छुरा, हर चीज आसमान छुरा है, सही ना? आज जो दिन ब दिन महंगा हो रहा है, लेकिन हमारा सैलरी जो हमारे सर बता के गए उसी हिसाब से बहुत स्लो जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है ना? तो इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? हम आगे बढ़ पाएंगे? पढ़ाई लिखाई, बच्चे का खर्च, हॉस्पिटल का खर्च, ये सब हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा जो मालिक है, हमारे जो काम, हम जिसके यहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों का फैसिलिटी देखिए, उन लोगों का पैसा आगे जा रहा है, सही कि नहीं? वो लोग के पास मतलब पैसा ही पैसा है, हम लोग के पास अभी अच्छा कपड़ा लगाने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा बच्चे को पढ़ाने के लिए भी पैसा कम पड़ रहा है, मतलब इतना ही आ रहा है जितना जरूरत है, सही कि नहीं? लेकिन एक बात और है कि अगर जरूरत में कितना दिन चलेगा? अगर हमें कुछ एक घर बनाना होता है तो दूसरे से पैसा लेना पड़ता है। अभी मान लीजिए जिसका 1000 सैलरी होगा, वो आदमी को अगर 1,00,000 रुपया भेजना होता है तो बहुत आदमी कतार में भी 10 रुपये ब्याज लेते हैं, सही कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? बहुत आदमी इसमें से लिए भी होंगे 10 रुपये ब्याज, और 10 रुपये कोई कोई 20 रुपये भी लेता है, 100 का 20 रुपया ले लेता है, सही कि नहीं? लेकिन अगर आप उसको 1000 सैलरी पैसा पठाना 1,00,000 है, फिर भी कितना का डिफरेंस हो गया, सही है? 70,000 कर्जा हो गया, yes. जितना का आमदनी ने उससे ज्यादा खर्चा, सही है? yes. लेकिन अगर हम इसी तरह से अगर वो करते हैं तो हम घर पे एक मतलब जमीन ले पाएंगे, नहीं तो घर बना पाएंगे, क्योंकि जमीन का आसमान भी, घर का आसमान, मतलब हर चीज का पैसा भागता जा रहा है, सही है? yes. तो अब अगर मान लीजिए और हमारा जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए आज के जमाना में हर आदमी साबुन कौन नहीं लगाता है, अमीर हो गरीब हो हर आदमी लगाते कि नहीं लगाते? हर आदमी का जरूरत है सर, राइट? आज से 20 साल पहले जो साबुन था वो साबुन 10 रुपए का, आज 10 रुपए में मिलेगा? नहीं सर, बढ़ जाए, बढ़ रहा है कि नहीं? मतलब आज के दौर में वो साबुन का कीमत कम से कम 20 ग्राम होगा, राइट? तो अगर ये साबुन और पेस्ट हर आदमी का जरूरत का चीज है, वही चीज हमें समझना होगा, जो कि इस पे हम पैसा खर्चा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, मतलब जैसे कि हर महीने कुछ न कुछ पैसा उसमें खर्चा करते हैं, राइट? पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन जो कि वो पैसा का कोई हिसाब किताब नहीं, सही है ना? हमने कितना साबुन लगाया किसी आदमी को पता है? नहीं। कितना पेस्ट लगाया किसी को पता है? नहीं। लेकिन अगर अब मान लीजिए नहीं तो सैलरी बढ़ सकता है, नहीं कुछ बढ़ सकता है, और ये पेस्ट जो हम बाजार से लगा रहे हैं, बाहर वाला जो पेस्ट लगा रहे हैं, उसका कीमत बढ़ता जा रहा है, सही कि नहीं? वो भी बढ़ता जा रहा है, मतलब हमारा सैलरी के साथ में वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमें पैसा कमाना है, कुछ बचाना है, तो हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि 8 घंटा करेंगे तो उतना ही मिलेगा, 1,000 ही मिलेगा, सही है ना? 8 घंटा करेंगे, 12 घंटा करेंगे तो उतना ही मिलेगा, 200 रुपया का नीचे ऊपर हो जाएगा, सही है ना? लेकिन हमें अगर अगर पास्ट है, राइट, जो बचा हुआ समय है, जो आज हम लोग ऐसे फेसबुक मोबाइल चलाते, मोबाइल में अगर आप घुस जाइए, टिकटॉक ऐसा वगैरह, मतलब बहुत ऐसा चीज है, जितना देखिए उतना अच्छा लगता है, राइट? दारू का नशा उतना नहीं है, उससे ज्यादा नशा आपका वो टिकटॉक वीडियो, क्या क्या वीडियो होता है ना, वो देखने आपको लगेगा कि मैं अच्छा देख रहा हूँ, मेरा फायदे का चीज है, लेकिन वो फायदा कहाँ है सर? मतलब मुझे आपको लगेगा न्यूज देख रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं ये जानकारी, अरे बहुत अच्छा बताया है, बहुत तारीफ दिया है, बहुत ऐसा दिया है, मतलब बहुत मजा आ गया है फिल्म देख के, मजा नहीं आ रहा है सर, आपका सजा आ रहा है, क्योंकि आपका एमबी का बैंड बज रहा है, सही है? एमबी का बैंड बज रहा है, आप धीरे धीरे गरीब जा रहे हैं, सही ना? लेकिन जो एमबी वाला कंपनी है वो आप ही से पैसा लेके आप ही को, आपको आप ही को उसी के नीचे काम करना पड़ रहा है, सही कि नहीं? तो ये मजा को अब सजा में बदलना है, वो समय को हमें उपयोग करना है। मान लीजिए एक ये बैंक है, सही है ना? जैसे आप गुल्लक बोलते हैं हिंदी में, राइट? ऐसे गुल्लक होता है, इसमें कुछ छुट्टा पैसा डालते हैं, सही कि नहीं? डालते हैं बहुत आदमी, कितना आदमी डालते हैं? आप एक आदमी डालते हैं, ताली हो जाए सर के लिए।
गुल्लक में आप पैसा डालते हैं, तो मान लीजिए ऐसा ही गुल्लक, एक हमारे पास एक कार्ड है, सही है ना, जो कि कितना आदमी के पास कार्ड है, डीएक्शन का कार्ड, ये देखो ऐसा कार्ड है सभी के पास, ये कार्ड मान लीजिए गुल्लक है, सही कि नहीं, गुल्लक है, और ये गुल्लक में मान लीजिए हम हर एक महीने जो कि एक साबुन डाल रहे हैं, 5 पॉइंट हो गया, अगर एक दिन भरेगा कि नहीं भरेगा, ये भरेगा, और जिस दिन ये 4500 क्रश हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा पोस्ट चेंज आएगा ना, हमारा दिन, हमारा जो दुख का दिन है वो चेंज होगा कि नहीं, तो डिएक्शन करना चाहिए, करना चाहिए, और एक गुल्लक क्या है, एक पोस्ट मान लीजिए ए एस ए बन जाते, सही है ना, राइट। और अभी आप लोग बहुत मुश्किल से समय निकाल के आए, सही ना, बहुत मुश्किल से समय निकाल के खाना बनाने वाला दूसरे आदमी को लगा के आप लोग आए यहाँ पे, राइट, तो इस टाइम आप लोग खाना बना रहे होते, तो दूसरा गुल्लक ऐसा ही सेम टू सेम, मान लीजिए ये देखिए, ये भी गुल्लक है, सही ना, ये समय, ये समय, राइट, तो देखिए अभी अगर रूम पे चले जाते तो वो मतलब वेस्ट हो जाता ना, मान लीजिए अभी खाना बना दिया ज्यादा तो कल सुबह ये वेस्ट हो जाता है, सही कि नहीं, मान लीजिए अगर आज अभी पानी पी लिया और ज्यादा हो गया मतलब तो नीचे गिरा दे तो वेस्ट हो जाता है, सही ना, तो ये समय मान लीजिए ये दुनिया का एक हकीकत है सर, मतलब मौत पक्का है, सही कि नहीं, आदमी मरेगा कि नहीं पक्का, आप लोग कौन इसमें से नहीं मरने वाले हैं, हर आदमी मरेंगे, तो अगर आप कौन आदमी है इसमें से 100 साल से ज्यादा जियेंगे, मुझे बताइए, 100 ही साल है ना हमारे पास समय, तो अगर हमने यूज नहीं किया तो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, मतलब जैसे हम खाना शाम को बनाते हैं, कल नहीं खाया तो वेस्ट हो गया, तो आज हमारे अकाउंट में 24 घंटा आता है, हर दिन में 24 घंटा 100 साल आता है, सही ना, हर एक साल इसी तरह हम वेस्ट कर दिया हम अपना समय, तो कुछ रह जाएगा क्या, हमारा हाथ कुछ लगेगा, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो इसको भी हम मतलब एक बक्स में जमा कर सकते हैं, राइट, मान लीजिए डेली 1 घंटा दे देंगे इधर, सही कि नहीं, हर एक रोज अगर 1 घंटा इसमें दे दिया तो ये भी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, देखिए उदाहरण मैं देता हूँ, मैं कभी आप लोग के जैसे 1 घंटा देता था यहाँ पे, एक गुल्लक में 1 घंटा जमा करता था, आज मैं 24 घंटा सोता रहता हूँ, सही है ना, आज मेरा क्या रिटर्न हो गया, जैसे कि कहीं पे पैसा लगाते तो वहाँ पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, सही कि नहीं, अगर आप कहीं पे कुछ देते हैं तो वहाँ पे मतलब पैसा मतलब ब्याज के स्वरूप मिलता है, सही ना, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे आपने साबुन लेके पॉइंट जमा किया तो यहाँ के पॉइंट आप स्टार बन रहे हैं, राइट, स्टार बन रहे हैं, डायमंड भी बन जाएंगे, सही ना, अगर इधर आप ये गुल्लक में 1 घंटा जमा कर रहे हैं तो आप एक एक अगर हर एक दिन एक शब्द सीख रहे हैं तो आपका एक पढ़ाई लिखाई का जो कमी था वो भी पूरा हो रहा है, वो भी पूरा हो गया, और आपके पास समय ही समय है, सही है, अभी मान लीजिए समय कितना है वो बताता हूँ, 1 घंटा अगर जमा करते हैं तो समय कितना होता है वो मैं बताता हूँ, मान लीजिए अभी आपका सैलरी 1000 रुपए है, सही ना, तो ये साल का कितना कमाई होगा आप लोगों का, 12,000, सही ना, अभी 12,000 हो जाएगा, सही की, तो साल का आपका 12,000 हो गया ना, तो आपको इतना पता है कि डीएक्शन में 12,000 महीने का आता है, मेरा भी आता है ना, तो अब मेरा समय कितना पावरफुल है, समय से आगे है कि नहीं है, और ये महंगाई जो है, महंगाई जो हमारा दुश्मन है, हमारा गला बंद करके, वो भी महंगाई अभी इसको 12,000 आएगा तो उसके लिए महंगाई कोई मायने रखता है, महंगाई से जंप है कि नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, समय से आगे जा सकते हैं, अगर ये 12,000 कमाएंगे तो 10 साल में कितना कमाएंगे, 1,20,000 कमाएंगे, और 1,20,000 अगर जिसका 12,000 सैलरी है वो 1 साल में 1,20,000 कमा सकता है कि नहीं, कमा सकता है, तो आपको कौन सा चूज करना है, लाइफ कौन सा वाला लाइफ चूज करना है, वो जो अपना जो ये सैलरी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है कछुए के जैसा बढ़ता है वैसा सैलरी में आना है, कि यहाँ पे थोड़ा साबुन लगा लगा के थोड़ा वो जो मार्केट में आपको पैसा देना है, कि ये मार्केट में पैसा देना है, यहाँ पे एक एक साबुन खरीद के 4500 अगर बना के स्टार बनने में मजा है, कि उधर मतलब उधर जाने में मजा है, राइट, स्टार बनने में, स्टार में खुशबू, खुशबू साबुन को खुशबू में नहीं देखिए सर, पेस्ट को वो चमकीला वो जो रंग में मत देखिए, राइट, जो चमकदार वस्तु होता है ना वो अक्सर वो बेकार होता है, राइट, आप लोग चंद्रमा को देखे हैं, चंद्रमा दूर से बहुत अच्छा नजर आता है, राइट, लेकिन आप उस पे पहुंचिए काला है,
सही कि नहीं, कलर है कि नहीं? तो आपको वही चीज है लुभाने के लिए, कलर है राइट। वो लड़की लोग जैसे पेंटिंग लगाते है ना, वैसी तरह वो ब्रश व्रश लगा के। तो ये वाला सामान नहीं यूज करना है हमें, जेक्सल का सामान यूज करना है। मान लीजिए 3 रियाल ज्यादा लग रहा है साबुन, मतलब अच्छा क्वालिटी है, चलिए कोई बात नहीं, हम गरीब आदमी है, हमारा 3 रियाल चला गया तो क्या और गरीब बना देगा क्या? गरीब आदमी और गरीब ही भाई, और गरीब हो जाएंगे राइट। लेकिन अगर जिस दिन 45 पेंट हो गया तो हमारे पास 223 का स्टार का पोस्ट मिल जाएगा दोस्तों, हमारे पास समय भी मिल जाएगा। और एक बात और है, मान लीजिए अभी हम जो पैसा बाहर दे रहे हैं, बाहर पैसा देने से वजह से हमारा समय बच गया हमें, अभी दूसरे का समय गुलामी करना पड़ रहा है और ये ऐसा ही पूरा जिंदगी खा जाएगा हमारा, और हमारा बच्चे का समय भी खा जाएगा, सही ना। अगर 1 घंटा यहाँ पे दे देते हैं, चलिए भाई मोबाइल को बंद करके यहाँ पे दे देते हैं, तो अगर हमारा तो हुआ हुआ, हमारा बच्चे का हुआ हुआ है ना, तो हम आजाद हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। आप लोगों को कौन सा लाइफ चूज करना है? आजाद वाला बोला। तो आप लोग ये इधर ये जो गुलत है ना, इसमें पीवी डालिए, पीवी होता है, पीवी परचेस वैल्यू होता है, सही ना। कुछ ना कुछ सामान खरीदिए कार्ड बना के, उसके बाद में 1 घंटा आइए क्लास में, या तो बाहर कहीं पे इसका मीटिंग सेमिनार कीजिए, एक आदमी से मिलिए, एक एक करके देखिए। दुनिया में आज दुनिया में देखा जाए तो भाई भाई मर रहे हैं, सही ना, काटा काट हो रहा है भाई भाई, भाई जैसा दुश्मन नहीं दोस्त, राइट। लेकिन इस समय अगर डिएक्शन वाला आदमी आदमी को जोड़ रहे हैं, जहाँ पे अभी भाई भाई का नहीं हो रहा है, बाप बाप का नहीं हो रहा है, राइट, बाप बेटे में नहीं जम रहा है, वहाँ पे हम लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम दुनिया का जितने भी आदमी सबको जोड़ने का काम करते हैं, हमें गर्व होना चाहिए हमारे काम पे कि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, जो आज बीमारी से ग्रस्त है उसको स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसे सिर्फ नहीं देते हैं डिएक्शन, राइट, हमें एक समाज सेवक बनने का मौका देता है और अपना लाइफ चेंज करने का मौका देता है। रीजन लेके काम करिए, कुछ उद्देश्य लेके काम करिए, यही पैसा सिर्फ नहीं है, इसमें बहुत कुछ है देखने वाले के लिए, नजर, आई एम राइट। छह है, सही कि नहीं? ये 6 को उल्टा कर देंगे तो 9 होता है, सही कि नहीं? तो बाहर से जो देखते हैं, जो कंपनी में है, जो दारू पीता है, शराब पीता है, उसके नजर से, उसके चश्मा से देखेंगे तो आपको एक बेकार नजर आएगा, आई एम राइट। लेकिन रिएक्शन में आके और इस नजरिए से अगर देखेंगे तो आपको अलग दिखेगा, आई एम राइट। तो देखने देखने का फर्क है, कहते ना नजर का इलाज तो संभव है, नजरिए का इलाज संभव नहीं, आई एम राइट। तो नजरिया होता है अलग अलग आदमी का, अलग अलग सोच होता है, तो हमें उस सोच को बदलना है, आई एम राइट। कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, अपने आप को बदलो तो हजारों बदल जाएंगे। वाव होना चाहिए सर, आप लोग बदलने हाथ उठा के बोले वाव, क्योंकि चेंज करना है सर। आप लोग अपना जो ये कैटेगरी है इससे ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा एनर्जी तो होना चाहिए। यस, बने इतना कहते हुए मैं विदा होना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हम लोग का लीडर सर, इतना अच्छा से आप लोग का सामने की प्लानिंग देखे गया है।